बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेजिटेबल की एक ज़बरदस्त रेसिपी। ये है जुकीनी विद बेल पेपर। और जुकीनी एक बड़ी हेल्दी वेजिटेबल है और इसको हम नई वेरिएशन के साथ बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 3-4 स्पून, और जुकीनी को काट लिया था और थोड़े लंबे स्ट्रेप्स में काटा था। इसके साथ 2 टमाटर चाहिए होंगे, हरी मिर्चें चाहिए होंगी, बेल पेपर 2 कलर की ली है, जो भी आपको अवेलेबल हो चीज़ें वो आप डाल सकते हैं। इस तरह हमने जुकीनी को काटना है। प्याज लिया था एक मीडियम साइज़ का। अब इसको लहसुन अदरक और प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे, फिर इसमें हम स्पाइसेस शामिल करते हैं। स्पाइसेस में पहले आ जाएगा रेड चिलीज, नमक, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, पिसा हुआ जीरा, पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिला लेंगे क्योंकि मसाला जल ना जाए। नमक हस्बे जायका डाल दीजिए। बेसिक मसाले हैं, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। इसके बाद जो टमाटर हैं वो डाल के हम इन्हें भून लेंगे। और जब ये भुन जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें जुकीनी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, भूनेंगे मसाला ताकि इसमें रच बस जाए। और इसको हमने बगैर पानी के पकाना है, कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो टमाटरों की ग्रेवी है वही काफ़ी होगी। इसके साथ अब जो 2-3 कलर की बेल पेपर्स हैं वो भी हम डाल लेंगे। इसमें मैंने रेड ली थी, ऑरेंज ली थी, ग्रीन, हरी मिर्चें थी। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। आप चाहें तो आप इसमें किनोर क्यूब भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये हमारी 4-5 मिनट बाद जब खोला है ढक्कन दम से, तो ये तैयार है और बहुत टेस्टी बनती है। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। और जुकीनी इस तरह भी बनाई जा सकती है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी फीडबैक कमेंट्स की सूरत में देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी ऑल, स्टे ब्लेस्ड।